कंट्रा मूवी का स्टार्ट ओरली और नेथन से होता है, जो अपने मरते हुए डॉग मैक्सिन के पास बैठे होते हैं। उसको एक ड्रग दी गई थी ताकि वो बिना दर्द के मर सके, और उसके बैकग्राउंड पिक्चर में लिखा है कि सब डॉग्स हेवन में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉग की डेथ के बाद उनकी मदर उन्हें कार में बिठाए घर लेके जा रही होती है। नेथन, जो अपने डॉग से बहुत प्यार करता था, पूछता है कि क्या मैगजीन हेवन गई है। उस पे उसकी मदर कहती है कि नो, मैगजीन बैड डॉग थी इसलिए वो हेल गई है। ये सुनते ही नेथन को अजीब विजन दिखते हैं, जिसमें पहले वो कार को अपनी मदर के बगैर खुद चलते देखता है, ओरली को बेहोश और ब्लडेड फेस में देखता है, और कुछ डिमोनिक विजन देखता है, जैसे कि उसके डॉग की सोल हेल में बर्न हो रही है। नेथन की जब आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि ये सब नाइटमेयर से, और ओरली नेथन को तसल्ली देने के लिए कहती है कि हम मैगजीन को जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ओरली और नेथन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जाने का मकसद ओरली बताती है कि उसके क्लास फेलो आइक की दी गई बुक ग्रिमोर्स से वो लोग मैगजीन की सोल को हेल से आजाद करवाएंगे, और वहां फॉरेस्ट के साइन बोर्ड से पता चलता है कि वो फॉरेस्ट एक सुसाइड पॉइंट भी था। वो फॉरेस्ट की एंट्रेंस पर कुछ चीजें पड़ी देखते हैं, जिनके बारे में ओरली बताती है कि वो ऑफरिंग्स हैं, यानी कि लोग अपनी कीमती चीजें यहाँ रखते हैं ताकि फॉरेस्ट का ईविल बाहर न जाए। ये सुनकर नेथन भी मैगजीन की कॉलर बेल्ट उधर रख देता है। ओरली के हाथ में मौजूद बुक में स्पिरिट्स, डीमंस, एंजल्स और सैतान को बुलाने के लिए स्पेल्स लिखे होते हैं, लेकिन जब ओरली की अपेरेंट स्पेल बुक पर फोकस होता है तो हम देखते हैं कि वो बस एक स्केच बुक है। एनीवेज, ओरली और नेथन एंट्रेंस से आगे बढ़ते हैं। ओरली नेथन को बताती है कि इस फॉरेस्ट में वो प्लेस भी है जहाँ सैतान, यानी के डेविल, शैतान या लूसिफर हेवन से निकाले जाने पर लैंड हुआ था, और वहीं गेट ऑफ हेल भी है। अर्थ से हेल तक इस गेट को एंट्रम बोलते हैं, जहाँ से वो हेल में जाकर मैगजीन को बचा लेंगे। और तभी बैकग्राउंड में ब्लर सी इमेज में डेविल की फॉर्म दिखाई जाती है। वो एंट्रम को ढूंढ कर उसे क्लियर करके कैंप लगाते हैं, और उसके बाद बुक से देखी रिचुअल्स करते हैं, जिसके लिए वो एक पेंटाग्राम बना के उसके सब कॉर्नर्स पर डिफरेंट रिलीजियस सिंबल्स रखते हैं। अब इस रिचुअल के बाद वो अंडरवर्ल्ड यानी के हेल के लिए होल डिग करने लग जाते हैं। ओरली खोदते हुए नेथन को बताती है कि हेल तक जाने के डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे जैसे वो उन लेवल्स के अंदर डीप जाएगा, वैसे वैसे फॉरेस्ट डार्क होने लग जाएगा। अब नेथन कान लगाए ट्रम्पेट्स की आवाज सुनने की ट्राई करता है, जो फर्स्ट लेयर का साइन है, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ एक अजीब सी स्क्विरल की स्क्वीक पर ओरली कहती है कि ये डेविल है, जिसे दोनों भगाने लग जाते हैं, और हमें पीछे ट्री के पास एक डिके होती डेड बॉडी दिखाई जाती है, यानी वहाँ किसी ने सुसाइड की थी। फिर फर्स्ट लेयर निफास्टस तक डिग करने के बाद वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते हुए उन्हें एक शख्स दिखता है, जिसे वो फॉलो करते देखते हैं कि वो सुसाइड करने लगा, और ये देखकर नेथन की चीख निकल जाती है। वो शख्स अपनी जुबान में कुछ कहता है और अपना सामान इकट्ठा किए वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी इस इंसिडेंट को भूल कर वापस आ जाते हैं। डिग करते हुए नेथन को पहले पिल्स की बोतल मिलती है, और फिर मिलती है एक गन, जिसे ओरली उससे लेकर साइड पर रख ही रही होती है कि नेथन को ब्लैक हंटर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के वो डर के चीखता है। तो ओरली फौरन से एक्सीडेंटली गन फायर कर देती है। ओरली डरते नेथन को तसल्ली देकर चुप करवा देती है, और वो दोनों रात होने की वजह से कैंप में सोने चले जाते हैं। उधर ओरली नेथन को अपनी बुक में सर्बरस दिखाती है, जो कि थ्री हेडेड डॉग है और हेल के फिफ्थ लेवल पर हेल के गेट से चेंड है। उसका काम सोल्स को बाहर जाने से और मॉर्टल्स को अंदर आने से रोकना है। नेथन उसकी बातें सुनकर डरता टीथ ब्रश करने रिवर के पास जाता है। तो उधर उसे बोट पर कैरन दिखता है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सोल्स को हेल तक पहुंचाता है, और नेथन उसको देखकर डरता कैंप में वापस आकर सो जाता है। सोने पर उसे फिर डिमोनिक ड्रीम्स आती हैं, जिसमें वो बुक पढ़ता है जहां डेविल एक होल से निकल के आता है और फिर ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। इसी सीन के साथ काफी देर तक एक डेविल फेस हमें दिखाया जाता है। सुबह होने पर ओरली अपने बैग से कुछ निकाल कर पॉकेट में डालती है, तभी वहां नेथन आता है और वो दोनों फिर से डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसी दौरान नेथन करीब जाकर बैठ जाता है। ओरली के पूछने पर बताता है कि वो सेकंड लेवल पर है, क्योंकि उसे ईविल स्क्रैचेस आए हैं। ओरली उसके हाथ पर स्क्रैचेस देकर हॉली वाटर डालती है और उसे तसल्ली देती है। ब्लैक एंड व्हाइट में एक कपल को किसी क्रीपी सी जगह पे टॉर्चर हुए दिखाया जाता है। टेम्पर्ड क्लिप्स थे कि किसी ने ओरिजिनल रील में सीन्स ऐड किए हैं। एक्चुअल स्टोरी में अब वो दोनों फॉरेस्ट घूमने जाते हैं। ओरली के मुताबिक उन्हें अगर मैगजीन की कोई चीज मिली तो पता चल जाएगा कि मैगजीन की सोल हेल्थ से बच गई है। वो दोनों फॉरेस्ट घूम रहे होते हैं कि
ओरली अपनी पॉकेट से मैक्सिन की कॉलर बेल्ट निकालकर बुशेस में छुपा देती है ताकि नेथन को वो मिल सके। नेथन के पास जाती है तो नेथन उसे बताता है कि वो थर्ड लेवल में है। ओरली उसकी बात समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि ट्रम्पेट्स की आवाज आती है और नेथन उसकी तरफ भागता है। ओरली बेल्ट उठाए उसके साथ भागती है तो वो दोनों एक एरिया में पहुंचते हैं जहाँ सेम नेथन के ड्रीम में देखे गए दो कैनिबल्स और डेफामेट का स्टैच्यू भी था। कैनिबल स्टैच्यू में इस इंसान को पका रहे होते हैं और पास ही उस शख्स की चीजें गिरी होती हैं जिसकी सुसाइड को उन्होंने इंटरप्ट किया था। ओरली ये देखकर नेथन को लेकर भागती हुई सामान इकट्ठा करने कैंप लाती है, लेकिन जब नेथन होल्डिंग करने की जिद करता स्काई में एक ब्लैक क्लाउड दिखता है जो कि शायद उन कैनिबल्स की स्टैच्यू के नीचे लगाई फायर का हो। वो दोनों ये देख के डरते हुए सब छोड़कर रिवर की तरफ भागते हैं जहाँ फिर से ब्लैक हंटर्स उनका पीछा करते दिखते हैं। बोट में बैठते हुए नेथन रिवर में गिर जाता है और ओरली उसको बचाने पीछे जाती है और बहुत मेहनत के बाद उसे जिंदा बाहर ले ही आती है। वो दोनों बोट में सफर करते फॉरेस्ट की दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और बचने पर बहुत खुश आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें अपना सामान देखकर पता चलता है कि वापस अपने कैंप के पास आ गए हैं। उधर नेथन को सर्वरस की चेन दिखती है तो वो चीखता है और ओरली होल से निकली गन लिए उसे चुप कराती कैंप में ले जाती है। वो रात हुए कैंप में बैठे होते हैं कि जब नेथन ओरली को सर्वरस दिखने का बताता है जिस पर ओरली कन्फेस करती है कि उसने नेथन से झूठ बोला था। वो बताती है कि उसने आइक से बुक लेकर हेल तक होल्डिंग करके मैगजीन को बचाने की स्टोरी सारी खुद बनाई थी। मजीद ये कि आइक की बुक भी इमेजिनरी है जो उसने खुद स्केचेस बनाकर क्रिएट की थी क्योंकि कोई आइक एक्सिस्ट ही नहीं करता। उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो फॉरेस्ट में लाकर स्टोरी बनाने के बाद मैगजीन की चीज मिलने पर उसकी सोल आजाद होने का बताएगी तो नेथन के नाइटमेयर्स शायद खत्म हो जाएंगे। नेथन सारी बात आराम से सुनकर ओरली को बताता है कि वो आइक से मिल चुका है और उसी ने नेथन को बताया था कि ओरली उसे मैगजीन के कॉलर से ट्रिक करेगी। ओरली उसकी बात सुनकर कॉलर निकाले देख ही रही होती है जब उन्हें सर्वरस की आवाज आती है। ओरली नेथन को लिए ट्री पर चढ़ जाती है और गन चल जाने पर सर्वरस भाग जाता है, लेकिन उसकी चेन देखकर ओरली को अंदाजा होता है कि उसके बुक वाले कैरेक्टर्स रियल फॉर्म लेते जा रहे हैं, यानी वो सच में हेल में पहुंच चुके थे और अब फोर्थ लेयर पे थे। वो दोनों ट्री पर ही सो जाते हैं और हम उनकी मेमोरीज में देखते हैं कि एक दिन वो सारी फैमिली पिकनिक पर होती है जब मैगजीन नेथन को काट लेता है और यही वजह थी कि नेथन की मॉम ने मैगजीन को बैड डॉग बोला और इसी वजह से मैगजीन को मार दिया गया था। प्रेजेंट में जब सुबह होने पर दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि कैनिबल्स उनके कैंप के पास खड़े हैं। उनको देखकर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता ट्री से उतरते हैं। ओरली उन्हें देखते हुए अपनी गन लेने लगती ही है कि वो देखती है कि कैनिबल्स नेथन को देखकर गन से शूट करते हैं जिस पर ओरली चीखती भागती है और खुद भी शॉट हो जाती है। कैनिबल्स उन्हें अपने एरिया में ले जाते हैं और केज में बंद कर देते हैं। नेथन को निकालकर पकाने लगते हैं। तभी ओरली अपना केज तोड़ देती है और टेबल पे पड़ी गन उठाकर एक कैनिबल को शूट करती है। वो नेथन को भागने का कहती है, दूसरे कैनिबल को भी शूट कर देती है। अब यहाँ वापस एक्स्ट्रा ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें टॉर्चर्ड कपल की फीमेल आदमी पे गन ताने खड़ी थी और उसकी आईज निकाल दी गई थी। इसके बाद बुक का पेज डीमन टर्न करके नेथन और ओरली का फिफ्थ लेयर में होने का दिखाता है। नेथन भागते हुए फॉरेस्ट में आ जाता है और उधर बैठा रो रहा होता है कि जब उसे चेन्स की आवाज आती है इसे फॉलो करते हुए वो एक ट्रैप में फंसे डॉग को देखता है। नेथन उसे ट्रैप से आजाद कर देता है और कैमरा की तरफ स्माइल देता है, देखता है जहां स्क्रीन पे मैसेज आता है एंड, लेकिन मूवी फिर भी चलती रहती है और हम देखते हैं कि नेथन को ढूंढती ओरली फॉरेस्ट में भाग रही थी जब उसे वो ब्लैक हंटर से डीमंस दिखते हैं। वो डरते भागते हुए अपने कैंप तक आती है और बुक को जलाकर होल फिल करने लग जाती है। फिर वो अपने कैंप में आवाज आने पर एंट्रेंस की तरफ गन की बैठ जाती है। नेथन ट्रैप को घसीटते कैंप की तरफ आ रहा होता है और ट्रैप की चेन से आवाज आ रही होती है जो ओरली को सर्वरस की लगती है और डर के वो फायर करती है जिससे ये इंटरप्रेट किया जाता है कि ओरली ने डर में अपने ही भाई को मार दिया। यहाँ फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में उस कपल के मरने की पिक्चर दिखाई देती है जिनके हाथ में एप्पल था और फुल मूवी डेविल के इशारे के साथ एंड हो जाती है। 2018 में एंट्रम नामी फिल्म के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जिसमें एक्सपर्ट्स उसके डेंजरस होने का बताते हुए उसकी हिस्ट्री सुनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री में बताई गई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एंट्रम से काफी डेडली केसेस रिपोर्ट हुए थे। पहला केस 1988 में हुआ जब फर्स्ट टाइम एंट्रम थिएटर में दिखाई गई तो वहाँ आग लग गई और 56 लोग मर गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि ज्यादातर आग प्रोजेक्शन रूम से लगती है, मगर इस केस में ये ऑडियंस की तरफ से
स्टार्ट हुई थी, यानी कि उन्होंने आग लगाई थी। दूसरा केस 1979 में था, जब ये मूवी फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करवाई गई, लेकिन सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद सस्पिशियसली मुख्तलिफ तरीकों से फेस्टिवल के डायरेक्टर्स मरते गए, जैसे कि कॉफी पीने से, इलेक्ट्रिक शॉक से और तो और एक फिश की बाइट से। तीसरे केस में कई सालों से गायब रहने के बाद 1993 में ये फिल्म एक थिएटर में प्ले की गई। ऑडियंस ने पहले तो इसे बहुत इंजॉय किया, लेकिन फिर एंशियस होते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन सब ही एग्जिट डोर्स अनएक्सपेक्टेडली लॉक हो गए, जिससे लोगों में पैनिक बढ़ने लगा और भगदड़ की वजह से बहुत से लोग मर गए थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कोई डिमोनिक एक्टिविटी नहीं, बल्कि सारी ऑडियंस को LSD ड्रग्स दी गई थी, जिसकी वजह से उनमें एंजाइटी फैली थी। और फिर फाइनली थिएटर में काम करते एम्प्लॉय ने कन्फेस किया, उसने पॉपकॉर्न के बटर में LSD नामी ड्रग डाला था। इस इंसिडेंट के बाद एंड्रू मूवी की रियल फेम कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने इसे कल्ट क्लासिक मूवी इमेजिन कर लिया। लेकिन फिर फिल्म के प्रोड्यूसर्स को 2018 में वो एक ऑक्शन से मिल गई। इस फिल्म पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट दोनों से हेल्प ली गई, जिनके अकॉर्डिंग फिल्म में अजीब इमेजेस और साउंड्स हैं, और साथ ही किसी थर्ड पार्टी ने उसमें ऐसे सीन्स डाले जिनका रियल स्टोरी से कोई भी संबंध नहीं है। फिल्म की रियल टैम्परिंग की वजह से डॉक्यूमेंट्री यही रुक जाती है, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिल्म में ऐसे साउंड इफेक्ट्स और फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के ब्रेन न्यूरॉन्स को एंजाइटी में डाल देता है। मजीद ये कि रील में फ्रेम्स पर प्लास्टिक लगाया गया है जिन पर सिंबल्स बने हुए थे, और वो सिंबल्स डेविल्स को बुलाने के लिए यूज किए जाते थे। जैसे थ्रू आउट द फिल्म ट्रायंगल का सिंबल दिखाया गया है, जो इस मूवी के अकॉर्डिंग एस्टरोथ नामी डेविल को समन करता है। एंट्रम फिल्म के एंड पे एप्पल से क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव की तरफ इशारा दिया गया है, जो डेविल टेम्पटेशन की वजह से मारे गए थे। अब मूवी की एंडिंग की बात की जाए तो जिस तरह से मूवी में हुए इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं, उससे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये पूरी की पूरी मूवी नेथन के दिमाग की क्रिएशन थी, क्योंकि वो डॉग के हेल में जाने से परेशान था और इसी वजह से उसके माइंड में ये सब खिचड़ी पक गई, और ऐसा कुछ रियल में होता ही नहीं। और रहे बात एंड्रम फिल्म की, तो इसके बारे में भी लोग पब्लिसिटी के लिए इसे डेडली कह के दिखाते थे, जो लोगों को पहले ही इस बिलीव से मूवी देखने में मजबूर कर देता था कि मूवी देख के वो मर जाएंगे, एंड इसकी ऑडियो उनके माइंड्स में एंजाइटी क्रिएट करके उन्हें कुछ उल्ट करने पर फोर्स कर देती थी। जैसा कि वो कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज पर विश्वास करता है वो हो जाता है, तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट सारा बिलीव्स पर ही बेस्ड था।